हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज टाइम हो चुका है, 6 बज गई है और हम मुझे करना है अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट, अपना डिनर करना है बनाना स्टार्ट। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने एक मोटी सी स्वेटर पहनी हुई है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कितना काम मैंने कर लिया है और क्या आज मुझे बनाना है और क्या करना है। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो पहले करते हैं लाइट ऑन। तो मैं आ गई हूँ किचन में, डोर खुला है। सबसे पहले डोर को करेंगे बंद, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज एक्चुअली भगत ट्रैवलिंग पे थे 1-2 दिन से, तो आज वो मतलब अभी रास्ते में है, ऑन द वे है। 1-2 घंटे में वो घर आने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए भी बनाना है डिनर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा राइस। राजमा राइस सबके फेवरेट होते हैं, सबको वो हैप्पी कर देते हैं। मतलब कहते हैं ना, आई एम नॉट राजमा चावल, कि मैं सबको हैप्पी कर दूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा राइस। एक्चुअली आज मैं थोड़ी देर पहले किचन में जब गुगू का फीटर बनाने आई थी, तो मैंने थोड़ा काम अपना करके रख लिया था, थोड़ा मुझे अभी करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्रेपरेशंस और फिर स्टार्ट करते हैं अपना किचन की रूटीन। ये मेरी प्रेपरेशंस, ये मैंने बना लिया है चॉप जिंजर गार्लिक और अनियन, तीनों को इकट्ठे से कर लिया है पल्स मोड पे चॉप। मतलब मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मुझे ना वो थोड़ा सा मुंह में आता है ना क्रंची क्रंची, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसको थोड़ा चॉपिंग स्टेज पे रखती हूँ पल्स मोड पे चला के। ये मैंने अपने टमाटोज कर लिए रफली चॉप, इसके बाद डालने के बाद मैं इसका बना लूंगी फाइन पेस्ट। और ये है मेरी कर्ड, इतनी कर्ड है, आज कर्ड मैंने नहीं मंगवाई, तो इसकी मैं बनाऊंगी पेपर कर्ड। ये मेरे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और राजमा को मैंने कर लिया था बॉयल। कुछ नहीं किया, बस सिंपल से नमक डालना है और बॉईल करना है। मैं बनाऊंगी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं राजमा। तो और यहाँ पे मैंने ऑयल तड़का लगाने के लिए ऑयल गर्म करने रख दिया है। दिस इज़ मस्टर्ड ऑयल, मेरी ऑलमोस्ट कुकिंग मस्टर्ड ऑयल में होती है। और यहाँ पे मैंने राइस अपने प्रिपेयर कर दिए हैं, धो के वॉश कर दिया है राइस। इसको मैं बनाऊंगी स्टीम राइस विद सोया चंक्स एंड पीस। तो चलिए काम को करते हैं स्टार्ट। तो ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने जो मेरे चॉप जिंजर गार्लिक और अनियन है, मैंने तीनों को इकट्ठा मिक्सी में पीस लिया था, तो मैं इनको अच्छे से डाल के कर दूंगी इसमें, गरम तेल में डाल दूंगी और इनको कर लूंगी मैं अच्छे से फ्राई। पे जो मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक डाला है, इनको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, थोड़ा गोल्डन कर लूँगी। इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जब हम प्याज के अंदर डाल देते हैं ना, तो सब्जी का कलर आपका थोड़ा सा रेडिश में आ जाता है। आपको फिर वो देगी मिर्च या फिर कुछ भी ऐसा लाल लाल तड़का वड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे सब्जी का एक ऑटोमेटिकली, अगर प्याज में डाल दो सब्जी, मतलब लाल रंग आ जाता है सब्जी में। तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। तो प्याज मेरे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना टमाटो का पेस्ट। जल्दी से मैं इसमें कर दूंगी ऐड और कर लूंगी अच्छे से मिक्स। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी घर के बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा किचन किंग। आपके पास जो मसाले आप यूज करते हो, जितने यूज करते हो उतने डालो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो जो हम यूज करते हैं मैं वो डालूंगी। बॉइलिंग के टाइम पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला, तो नमक मैं देख के डालूंगी। रेड चिली पाउडर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो मैं अब नहीं डालूंगी। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और किचन किंग डालूंगी। और लास्ट में मैं ऐड करने वाली हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, जिससे हर सब्जी में आ जाता है फ्लेवर। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से कर लूंगी मिक्स और इसको अच्छे से मुझे भूनना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। कोई भी सब्जी बनाओ ना, जब तक मसाला अच्छे से भूनता नहीं है ना, सब्जी टेस्टी नहीं बनती। तो बस अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से और फिर राजमा में ऐड करके राजमा रेडी। चलते हैं बाहर और चुपके से देखते हैं गुगू कोई शरारत तो नहीं करी। आज पता क्या हुआ, गुगू ना सोफे से नीचे गिर के और इतना रोई। मतलब इसको ना कुछ ध्यान लगाना पड़ता है, देख रही है कैमरे में। तो कुछ इसको मैं कुछ भी अपना मेकअप का जो रबड़ वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं वो सब दे देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है, उसने तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इस मसाले को राजमा में कर दूंगी ऐड। तो मसाले को मैंने राजमा में ऐड करके मैं दिलवाऊंगी अब इसको 2 विसल। उसके बाद मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट मतलब इसको सिम गैस पे पकने दूंगी, ताकि जो मसाला है वो सब्जियों के साथ अच्छे से रल जाए, अच्छी लगे सब्जी, वरना वो पानी अलग राजमा अलग वो अच्छा नहीं लगता है। और साथ में मैं फटाफट मैं काट रही हूँ सैलड और कर रही हूँ पेपर कट की तैयारी जल्दी से। बस फिर राइस मैं बनाऊंगी, अभी एक बार राजमा रेडी हो जाए तब बनाती हूँ राइस। और अब चलते हैं रूम में, देखते हैं गुगू और परी क्या कर रहे हैं, कि ना इनको आप 2 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर हमने 2 मिनट भी इनको अकेले छोड़ दिया ना, ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। वो तो घर का सारा सामान उठा उठा के बेड के पीछे फेंकती रहती है। चलो चलते हैं, देखें ये तो मैडम लगी है अपना कुछ करने। और गुगू व्हाट आर यू डूइंग,
गुगु पाठ सुन रही है ये घर का सारा क्या कर रहे हो मम्मा को बताओ गुगु इधर देखो लुक एट मी पापा पापा आ जाएंगे आज गुगु हाँ क्या चाहिए गुगु को नो 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 तो घर का जो भी यू नो ये बच्चे 5 मिनट के अंदर पूरे घर का हुलिया यू नो बिगाड़ देते हैं सोफे कपड़े नीचे बेड की जो बेडशीट होती है वो सारी हिली जुली सी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो मैं अभी जस्ट सारा घर का हुलिया सेट करके गुगु के साथ थोड़ा सा खेल के दोनों को कमरे में बिठा के किचन में आ गई हूँ फटाफट से बनाऊँगी राइस राइस को मैंने यहाँ पे रख दिया है बॉयल करने के लिए तो जल्दी से स्टीम राइस बनाऊँगी यहाँ पे और ऑलमोस्ट काम मेरा तैयार है यूटेंसिल्स मैंने पहले ही सिंक जो थी अपनी क्लीन कर ली है यहाँ पे मैंने अनियन है अनियन को पानी में डाल दिया सैलड के लिए और जस्ट ऑलमोस्ट काम जो है वो हमारा रेडी है अब बस फटाफट खाना बन जाए प्लेटिंग करेंगे और खाएंगे और भगत भी अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले हैं रेडी ये है मेरी स्टीम राइस बॉयल्ड राइस और राजमा मैंने अभी चेक कर लिए थे बहुत अच्छे बन गए हैं तो ये देखो मैंने कोई भी इसमें देगी मिर्च कुछ नहीं डाला है तो कलर रेड आएगा क्योंकि हमने प्याज में वो चिली डालते तो ऐसा कलर आ जाता है तो ऊपर से मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हरा धनिया और साथ में पेपर कट तो जल्दी से कर लेते हैं प्लेटिंग फिर मैं बना रही हूँ गुगु के लिए डिनर इसमें मैंने क्या किया जो बॉयल राइस थे ना मतलब जिस दिन मैं बॉयल राइस बनाती हूँ मैं उस दिन ऐसे ही गुगु को खीर टाइप दे देती हूँ तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और शुगर ऐड करके थोड़ा सा बॉयल करूँगी और फिर इसका एक यू नो गुगु को थोड़ा सा ग्राइंड करके गुगु को खिला दूँगी और यहाँ पे गुगु का डिनर और पिजलिन के डिनर की प्लेटिंग मैंने कर ली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ राइस साथ में राजमा पेपर कट और साथ में अनियन तो अब मैं पिजलिन को देकर आती हूँ खाना सॉरी फॉर व्हाट तो गाइस व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है मेरा ये छोटू सा व्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे जरूर बताना और आप लोग क्या क्या डिनर में खाते हो अपनी रेसिपीज भी मुझे जरूर मेरे साथ शेयर करना और मिलती हूँ फिर आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज प्लीज सपोर्ट माई चैनल थैंक यू सो मच